या मैया सीता का हरण करके ये लंका में ले गया। नाना प्रकार के कष्टों का सामना देवी सीता ने किया। 14 वर्षों का वनवास भोग करके रावण का वध करने के बाद प्रभु राम अयोध्या में आए। अयोध्या में पुनः खुशी की लहर दौड़ी। जब खुशी की लहर दौड़ी इधर राम को पुनः राजा बनाया गया। मेरी माता राम मर्यादा पालक थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही कहा गया। मर्यादा को निभाने वाले उत्तम पुरुष श्री राम थे। इधर राज में चर्चा हो रही है, एक धोबी ने मैया सीता को दोष लगा दिया। कहा सीता इतने दिन तक लंका में रह करके आई हैं, क्या उनका चरित्र पवित्र हो सकता है? प्रभु राम के कानों तक ये आवाज आई कि मेरे राज्य में आक्रोश है मेरी पत्नी के प्रति। प्रभु राम जानते हैं कि मेरी सीता दूध की तरह का चरित्र साफ, लेकिन प्रजा की संतुष्टि के लिए राजा हो तो ऐसा। प्रभु राम ने मैया सीता को वनवास दे दिया, त्याग कर दिया, मन ही मन संकल्प किया। देखिए माता, मैया सीता का त्याग कर दिया प्रभु राम ने, क्योंकि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी होती है, ऐसा राजा नरक का कामी बनता है। मैया सीता को वनवास दे दिया। मन ही मन में कहे कि आज के बाद मैं सीता को राज्य से निकाल दूंगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, इधर मैया सीता को नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर कौन सी घटना घटने वाली है। सीता सो रही है, प्रातः काल जैसे हुआ प्रभु राम के पास में आई और जवाब दिया, प्रभु आज तो मैंने बड़ा विचित्र सपना देखा है। विचित्र सपना? बोले हाँ, क्या देखा है? कहाँ स्वामी, मैंने आज सपना देखा कि मैं वन में पहुंची हूँ। महात्मा जी ने, वाल्मीकि गुरु जी ने मेरे गोदी में दो दो फल दिए हैं। अरे ये तो सपना बड़ा ही सुंदर है स्वामी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज मैं बन के लिए चली जाऊं। आहा, राम तो वैसे ही सीता का त्याग कर चुके थे। राम को ये लगा एकदम जमीन फट जाए, उससे पहले मैं समा जाऊं, मैं कैसे कहूंगा सीता तुम बन के लिए चली जाओ। लेकिन कह दिया हाँ सीता तुम चली जाना। लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण सीता को बताना नहीं, वहां जाकर के बता देना तुम सीता को वन में ले जाओ करके छोड़ के आना। लक्ष्मण ने सुना है कि मुझे सीता मैया को छोड़ने के लिए जाना है, पछाड़े खाने लगे, कहने लगे भैया जिस मैया ने मुझे अपनी गोदी में खिलाया हो, माँ का दुलार किया हो, उस माँ को मैं जंगल में छोड़ने के लिए जाऊंगा। भैया ये कार्य हमसे नहीं होगा, शत्रुघ्न से कह दो, भरत से कह दो, मगर मैं भाभी को छोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। इधर मैया उस भोली वाली सीता को नहीं मालूम है कि मेरे प्रभु राम ने मेरा त्याग कर दिया है। मैया सीता ने सुंदर से वस्त्र धारण किए हैं, आज देवी सीता चली है। देखिए जब सीता चली तो प्रभु राम ने एक बार सीता की तरफ देखा, नेत्रों को बंद कर लिया, रहा नहीं गया।
प्रभु राम ने अपने आंसुओं को रोक करके कहा, छाओ सीता, मैया सीता ने छड़ छुए, लेकिन भोली वाली सीता को नहीं मालूम है कि आज के बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। प्रभु राम से कहने लगी, स्वामी मैं चार ही शाम तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि आज के बाद अब शाम नहीं आएगी। मैया सीता चली है, रथ में बैठी है, खुशी खुशी जा रही है, मगर लक्ष्मण चुपचाप है। उन्हें मालूम है कि मैं अपनी भाभी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। आज जब जंगल में पहुंची तो एक वन दिखाई दिया है। सीता कहने लगी, लक्ष्मण भैया रथ को खड़ा करो, थोड़े रथ को रोको, कितने सुंदर पुष्प हैं, इन पुष्पों को मुझे तोड़ने दो। लक्ष्मण ने रथ को खड़ा किया। क्यों भाभी? कहने लगी, अरे इतने प्यारे पुष्प हैं, मैं अपने प्रभु राम के लिए सुंदर से हार बना करके उन्हें पहनाऊंगी, वो कितने प्रसन्न होंगे। जैसे फूल पर हाथ बढ़ाया, लक्ष्मण कहने लगे, भाभी अरे ये पुष्पों के हार बना करके तुम किसे पहनाओगी? प्रभु राम ने तो आपका त्याग कर दिया है। एकदम से धरती कांपने लगी। राम तुम इतने क्रूर हो, मेरी भोली भाली बेटी को इतना कष्ट। एकदम सीता खड़ी की खड़ी रह गई। लक्ष्मण इतना कहकर के मूर्छित हो जाते हैं। बहाना दे करके मैया सीता को आज जंगल में छोड़ करके आई। देखिए पुष्प पक्षी एकदम से मैया सीता के रोने की आवाज को सुना। पुष्प पक्षी आ गए, कहने लगे, मैया जगत जननी सीता माँ आप रो रही हो। पशुओं ने मैया सीता को घेर लिया, पक्षियों ने चारों तरफ से घेर लिया। काहे देवी आप चिंता न करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए भोजन लेकर के आएंगे, फल तोड़ करके लाएंगे। मैया आप रो नहीं। मैया रो रही थी, तब तक वाल्मीकि ऋषि जी आ जाते हैं। मैया सीता को छाती से लगा लिया। बेटी मैं तुम्हारा पिता जनक हूँ, मैं तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारी सेवा करूंगा। जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी का लालन पालन करता है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज मैया सीता जब निकली तो उनके उदर में 8 मास का गर्भ था। ऐसे संकट के समय में आज का कोई साधारण पुरुष भी हो, तब भी देखिए किसी न किसी को घर पे बुला लिया जाता है। एकदम से पृथ्वी मैया चीखने लगी। सूर अस्त हो गए, क्योंकि सूर जानते हैं कि मैं सीता से जवाब नहीं दे पाऊंगा। सीता रो रही है, पृथ्वी मैया करुण क्रंदन करने लगी, मेरी बेटी सीता को इतना कष्ट, इतना दुख। और माता को याद रखना, बेटी भी माँ के अनुरूप हुआ करती है। सीता मैया धरती माँ की पुत्री थी। धरती के ऊपर अच्छा बुरा खोद खाद कुछ भी करते रहो, लेकिन मैया पृथ्वी कभी ये नहीं कहती कि आप मेरे ऊपर इतने अत्याचार क्यों कर रहे हो। उन्हीं की बेटी सीता है, सारे कष्टों का सामना किया। लेकिन आज इतनी सहन करने वाली पृथ्वी मैया भी कांपने लगी। सूर देवता कांप गए, कहने लगे, मैं आज समय से पहले ही अस्त हो जाऊंगा, जो कि सीता से मुझसे कोई प्रश्न न कर दे। अगर सीता ने कोई प्रश्न किया तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मेरी माता
मैया सीता आज वाल्मीकि ऋषि की कुटिया पे रह करके दो बेटाओं को जन्म देती हैं। महात्मा जी ने जंगल में क्या रखा था, आज जैसे तैसे उन बच्चों का लालन पालन किया। उसके बाद जब लव और कुश थोड़े बड़े हुए तो गुरुजी ने उन्हें राम की कथाएं सुनाना आरंभ कर दी। और माताओं देखिए, जब माताएं गर्भवती हो गर्भ से ही आपको भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। और जब ये बड़े हुए तो राम और ये माला से सम्मानित किया है रेखा सनो मानसी पुत्र बधु मानसी ककर्रा से 101 रुपए के हार से हम दोनों बहनों को सम्मानित किया है, तीनों बहनों को सम्मानित किया है। भगवान कन्हैया सुख शांति ज्ञान की वृद्धि दे। बोलिए।